हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव IAS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत छोटा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीलिम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि ये आना ही आना है। उसके अलावा मेंस के परस्पेक्टिव से भी बात करें तो ये GS 1 का पार्ट ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज भी इसी के अंदर आनी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है दसुपो ग्लेशियर। ठीक है, दसुपो ग्लेशियर क्या है, इसको क्यों न्यूज़ में है, ये इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली ये है कि ह्यूमंस ऑल्टर्ड हिमालयन ग्लेशियर लॉन्ग बिफोर पीपल अराइव्ड। तो ये जो हमने पढ़ा ना दसुपो ग्लेशियर, ये बेसिकली एक ग्लेशियर है जो हिमालयन रीजन में है और बहुत ऊंचाई पर ये ग्लेशियर है। तो जब ह्यूमन कब गए हैं हिमालयाज में, ये बछेंद्री पाल वगैरह, ये तो क्या नाम है 20th सेंचुरी में गए हैं ना, तो 20th सेंचुरी में गए हैं, तो उससे पहले से ही लोगों ने जो है वहाँ के ग्लेशियर को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो शुरू कर दिया था। तो कैसे शुरू कर दिया था, वो ऐसे शुरू कर दिया था क्योंकि जब यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, तो वहाँ से जो कोल बर्न होता था और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स थे वो क्या नाम है इफेक्ट करते थे यूरोप से यहाँ एशिया में हिमालयन में दसुपो ग्लेशियर को। ठीक है, तो लंदन से दसुपो ग्लेशियर की जो लेंथ है कम से कम 10,300 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बर्थ प्लेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो ऐसा कैसे हुआ ये भी आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो जो एयर पिक्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की, वो ये दिखाती हैं कि जो ये हाईएस्ट पीक है सेंट्रल हिमालयाज में, वो बहुत पहले से ही इफेक्टेड है, जब लोग वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे उससे बहुत पहले से। तो यहाँ पे कम से कम ये दसुपो ग्लेशियर पड़ता है, इट इज़ समवेयर इन नेपाल और इंडिया, तिब्बत, ल्हासा ये रहा तिब्बत, थोड़ा इससे इधर है, तो बेसिकली इट वुड बी नेपाल। उसके अलावा जो पाओलो गैब्रिली हैं, ये एक प्रोफेसर हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि US में है, उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके अंदर कोल कंबशन को बेसिक सोर्स बनाया था एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जिसके कारण एमिशन हुए और जो विंड्स थी उस एमिशन को ट्रांसपोर्ट करके ले गई हिमालयस तक, जिसकी वजह से वो इफेक्ट हुआ है जो दसुपो ग्लेशियर है। तो जो रिसर्च टीम ने बेसिकली क्या किया था, इस दसुपो ग्लेशियर को स्टडी करने के लिए एक जो है टीम बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पर, और उन्होंने वहाँ 1997 में वो टीम बनी थी और वो वहाँ पे ग्लेशियर पे जा करके उन्होंने वहाँ से आइस कोर्स लिए। आइस कोर होता है ग्लेशियर की बहुत डेप्थ, नीचे की जो पुरानी आइस होती है ना, वहाँ से आइस कोर्स निकाले ड्रिल करके, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो ये आपका दसुपो है ये 7200 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से, और हाईएस्ट एल्टीट्यूड साइड है वर्ल्ड की जहाँ से साइंटिस्ट ने क्लाइमेट को रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी आइस कोर लिया है। उसके अलावा ये जो है शीशोपंगम में लोकेटेड है, शीशोपंगम वर्ल्ड के 14 टॉलेस्ट माउंटेन में से एक है और जो कि हिमालयस के अंदर लोकेटेड है। उसके अलावा रिसर्चर्स ने डिटरमाइन किया कि जो आइस उन्होंने ली है, जो कोर आइस उन्होंने ली है, वो 1499 से लेकर के 1992 तक की है। अब ये कैसे होता है, तो बेसिकली होता है क्या, जो भी आइस कोर लिया जाता है या फिर जो आइस होती है हिमालयन रीजन में 12 महीने बर्फ रहती है, तो जब नेक्स्ट स्नोफॉल होती है तो वो उसके ऊपर लेयर वाइज चलती चली जाती है, जो पुरानी बर्फ़ है वो नीचे दबती रह जाती है। तो इसलिए एक बर्फ़ जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो 1500 के आसपास की होगी, और जो फ्रेश उन्होंने ली होगी वो 1992 की होगी। तो इस तरीके से जो है ट्रेसिंग की जाती है आइस कोर्स की। तो उसी के ऊपर उन्होंने किसी लेयर के अंदर काफ़ी कुछ कार्बन के पार्टिकल्स पाए थे, ट्रेस मेटल्स पाए थे, जिससे उन्होंने कंक्लूजन लगाया कि यहाँ पर आए कैसे। तो इसका पता लगा कि 18th सेंचुरी में यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वहाँ से एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के एमिशन यहाँ पर आया, और इस वजह से इस आइस कोर में हमें वो कार्बन के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर बात थी। और उसके अलावा जो रिसर्च है, जो भी रिसर्चर्स हैं वो बता सकते हैं प्रिसाइजली लेयर कि वो किस ईयर की लेयर है। ठीक है, तो जिससे क्या नाम है और ज़्यादा क्लूज़ मिल सकते हैं कि क्या ये ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है या फिर एक नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, जिस भी कारण था वो, अभी लेयर की जो स्टडी है और चल रही है। तो इसके अंदर हमारे लिए जानने वाली जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी, जो आपका दसुपो जो ग्लेशियर है उसके बारे में, ये कहाँ पर आता है, क्या इसकी हाइट है, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, और GS 1 ज्योग्राफी का पार्ट और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे।
आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।